बच्चों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक गहरे कुएं के अंदर बहुत से चमगादड़ रहते थे। चमगादड़ रात होते ही कुएं से बाहर निकलकर अपने खाने का इंतजाम करते और जैसे ही सुबह होती वो जंगल में वापस आकर कुएं के अंधेरे में उल्टा लटक कर सो जाते। एक बार सारे चमगादड़ दिन के उजाले में कुएं के अंदर उल्टा लटके हुए सो रहे थे। अचानक आसमान में काली घटाएं छाने लगी, जिसकी वजह से जंगल में चारों तरफ अंधेरा हो गया। इसी बीच एक चमगादड़ का बच्चा जाग गया। उसने देखा कि कुएं के बाहर अंधेरा सा है। वो कुएं से बाहर निकलकर उड़ने लगा। जंगल में उड़ते उड़ते उसकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। घोंसले के अंदर चिड़िया के तीन बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर चमगादड़ का मन भी मचल गया और वो तुरंत चिड़िया के बच्चों के पास पहुंच गया। चमगादड़ को अपने बच्चों के पास देख चिड़िया के सभी बच्चे डरने लगे। चमगादड़ बोला, अरे मुझसे डरो मत, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। नहीं नहीं, तुम हमें मार तो नहीं डालोगे, हमें तुमसे डर लग रहा है। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ, मुझे अपने साथ खिलाओ ना। चिड़िया के बच्चे बहुत मासूम थे, वे चमगादड़ पर भरोसा करके उसके साथ खेलने लगे। हालांकि ये चमगादड़ भी बच्चा होने के कारण चिड़िया के ही आकार का था। कुछ देर खेलने के बाद चिड़िया के बच्चे चमगादड़ के साथ घुल मिल गए। कुछ ही देर में आसमान से बादल साफ हो गए और आसमान में रोशनी तेज हो गई। चमगादड़ के बच्चे ने जैसे ही उजाला होते देखा, वो चिड़िया के बच्चों से बोला, अच्छा साथियों, रोशनी हो गई है, अब मुझे मेरे घर लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलने फिर आऊंगा। हाँ दोस्त, जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चमगादड़ का बच्चा मजबूरी में कुएं के अंदर वापस लौट आया। चमगादड़ को चिड़िया के बच्चों की दोस्ती भा गई थी। चमगादड़ रोज रात होते ही चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने का मन बना लेता, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता तो देखता कि चिड़िया के सारे बच्चे सो रहे हैं और वो उनके जागने का इंतजार करता। लेकिन जैसे ही सुबह होने पर चिड़िया के बच्चे जागते, तब चमगादड़ को वहां से मजबूरी में कुएं में आना पड़ता। अब चमगादड़ के दिमाग में एक सवाल कौंधने लगे कि चिड़िया के बच्चे रात में हमेशा सोते क्यों रहते हैं? क्योंकि चमगादड़ ने अंधेरे में ही अपनी दुनिया देखी थी, इसलिए उसे लगता था कि चिड़िया के बच्चे भी अंधेरे में ही जागते होंगे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब चमगादड़ को इस सवाल का कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला, तो आखिरकार उसने परेशान होकर एक दिन अपनी माँ से सवाल किया, माँ, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल नहीं पाते, पता नहीं वो अक्सर अपने घोंसले में सोते ही रहते हैं, ऐसा क्यों माँ? चमगादड़ की माँ ने अपने बेटे से जब बात की तो उसे पता चला कि उसके बेटे की दोस्ती चिड़िया के बच्चों से है और वो अपने बेटे से बोली, बेटा, तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से कोई और कैसे बदलेगा? तुम्हारे लिए बदलेगा वही जिसकी परिस्थितियां भी तुम्हारी जैसी होंगी। सबके हालात और जरूरतें अलग अलग होती हैं। तो माँ, फिर क्या हम किसी से दोस्ती ही नहीं करेंगे? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है। बेटा, अगर तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो किसी ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे लक्ष्यों की ओर ले जाए, जिसकी परिस्थितियाँ भी तुम्हारी जैसी ही हों, क्योंकि वही तुम्हारी परिस्थितियों को समझ सकेगा और तुमसे सच्चा रिश्ता निभा सकेगा। अपनी माँ की बात सुनते ही चमगादड़ जिंदगी की अनूठी सच्चाई समझ चुका था और उसने अपनी ही तरह अंधेरे में उड़ने वाले कुछ उल्लुओं को अपना हमसफर चुन लिया। चमगादड़ अपनी माँ की दी हुई शिक्षा की वजह से
अपनी परिस्थिति के अनुसार दोस्त बनाना सीख गया था।